लगातार बढ़ती ठंड की कहर से आम जनमानस में काफी समस्याएं आ रही हैं। ठंड के कारण मौसम ठीक न होने और कई जगह नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था न किए जाने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम को देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है कि पूरे पूर्वांचल में 10 तारीख तक शीतलहर ऐसे ही बनी रहेगी और गाँव क्षेत्र में घना कोहरा अभी रहेगा। उन्होंने बताया कि जनपद और जनपद के आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा रहेगा और शीतलहर अभी बना रहेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो कृपया अपने घर से कम निकलें। यदि गाड़ी चलाते हैं तो अपने गाड़ी के हेडलाइट को जलाकर रखें और सावधानी से गाड़ियों को चलाएं। जगह जगह अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। यदि कोई बाहर से आ रहा है तो वह रैन बसेरों में ही रुक सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से लोगों का बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि 350 से ज़्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से उनको निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण में जो हमारे पंचायत भवन है वहाँ भी हमारे द्वारा ठंड से बचने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आम नागरिक एवं जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। भैया बहुत समस्या है, सुबह निकलने में समस्या है, शाम को समस्या है। वहाँ देख रहे हैं चौराहे पे काफी भीड़ है। नगर निगम कोई लकड़ी की व्यवस्था करे यहाँ पे, जो है जनता देख रहा है आप काफी परेशान है। जगह जगह कोई इतना कबाल लेके जलाया जा रहा है, तो नगर निगम से यही उम्मीद हम लोग रखे हुए थोड़ी लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे काफी जनता भूख के देख सकते हैं। भाई साहब बगल में है, आप बात कर लीजिए। दुकानदार है आपके बगल में, पूछ लीजिए। कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। रूप खेल ठंडी काफी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा भैया, बहुत काफी ठंडी बढ़ गई है। परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है कि रास्ता चलना दुर्लभ हो गया है। पहले हम लोग के यहाँ लकड़ी गिर जाता था नगर निगम से, इस समय जो है लकड़ी गिर ही नहीं रहा है और सारे लोग यहाँ आते जाते हैं। ये मेन रोड है और सारे लोग ठंडक से सूख जाते हैं और काफी परेशानी हो रही है। कृपया हम लोग को लकड़ी का सुविधा कराइए ताकि अलाव जलाया जाए। नगर निगम द्वारा व्यवस्था भी नहीं, नगर निगम से अभी तक नहीं व्यवस्था हुई है। कभी भी किसी वार्ड में भी किसी चौराहे किसी रास्ते पर नहीं हुआ है। ओम प्रकाश, ठंड काफी बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। अब हर साल जो है यहाँ पर चौराहे पर अलाव के लिए जो है व्यवस्था नगर निगम से की जाती थी, इस साल कुछ नहीं हुआ, तो इससे ठंड के लिए जो है राहत नहीं मिल पा रही है। लोग बहुत परेशान है, यहाँ चौराहे पर भीड़ होती है काफी। देखिए, अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोग को पूर्वानुमान उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार अभी
पूरे पूर्वांचल साइड में अभी येलो जोन में और ऑरेंज जोन में पूरे प्रदेश क्षेत्र को रखा गया है। और जिस प्रकार 10 तारीख तक का हमारे पास जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी कोल्ड वेव बना रहेगा, शीतलहर बनी रहेगी और जो हमारे जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पे डेंस फॉग रहेगा, घने से अधिक घना कोहरा वहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भी आगामी दिनों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति जनपद और जनपद के आसपास के क्षेत्रों में बनी रहेगी। उक्त के दृष्टिगत आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन ये है कि यथासंभव यदि बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर न निकलें और यदि निकलें ड्राइविंग करें तो अपने जो व्हीकल्स हैं उसके हेडलाइट्स को ऑन करके ही ड्राइव करें और सेफली ड्राइव करें और समुचित जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। तो यदि कोई भी बाहर से आगंतुक आ रहे हैं तो वो रैन बसेरों में विस्थापित हो सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव भी लगातार जलवाया जा रहा है, 350 प्लस स्थलों पर इस समय अलाव जलाया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में जो हमारे ग्राम पंचायत भवन है उन्हें भी हम लोगों ने